दोस्तों बॉलीवुड में तो वैसे एक से बढ़कर एक एक्शन हीरो मौजूद हैं। जहां पर हम बात करें सलमान खान की तो उनसे बड़ा एक्शन हीरो कोई नहीं, क्योंकि उनकी लगभग सभी मूवी में एक्शन दिखाया जाता है एक बड़े लेवल का। और फिर उसी तरह ऋतिक रोशन सर जी, हाँ दोस्तों बॉलीवुड की एक और स्टार जिनकी मूवीज एक्शन से भरी रहती है और उनके हजारों दीवाने हैं जो उनकी एक्शन मूवीज को पसंद करते हैं। इसी तरह विद्युत भी एक बड़े एक्शन हीरो समझे जाते हैं और अक्षय कुमार सर भी आने वाले वक्त में आपको बड़ी बड़ी एक्शन मूवीज देने वाले हैं रोहित शेट्टी के साथ मिलकर। इसी तरह बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी एक बड़ी एक्शन मूवी के साथ मैदान में नजर आएंगे। और अगर एक्शन हीरोज की बात की जाए तो टाइगर श्रॉफ को कौन भूल सकता है, जो सबसे ज्यादा एक्शन मूवीज देने वाले है आने वाले कुछ सालों में। एक से बढ़कर एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट है उनके पास। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जो बड़ी एक्शन मूवीज है और जिनका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस, और खास करके एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवीज के लवर्स के लिए तो ये सभी मूवीज मच अवेटेड है। तो कौन कौन सी बड़े बजट की बड़े स्टार की बड़ी एक्शन मूवीज है जो के आपको आने वाले 2 सालों में देखने को मिलेगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन प्रेस करके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस मूवी का जिसका इंतजार इतना ज्यादा है कि लगभग सभी पागल हुए हैं इस मूवी के पीछे, क्योंकि इसके टीजर और ट्रेलर को इतना रिस्पांस मिला है और इसका सॉन्ग घुंघरू जो सभी को जहनों में छाया हुआ है। ऐसी मूवीज कम ही बनते हैं बॉलीवुड में। तो आप जान चुके होंगे हम बात कर रहे हैं वार मूवी की, जिसकी टाइटल ही किसी वार से कम नहीं है। और इसमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन एक साथ हमें भिड़ते हुए नजर आएंगे बड़े पर्दे पर, और फिर 2D में ही नहीं बल्कि 3D में भी रिलीज कराया जाएगा इस मूवी को। और ये पहली बार है कि टाइगर श्रॉफ की किसी मूवी को 3D में रिलीज कराएगी, और सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तेलुगु तमिल में भी रिलीज कराया जाएगी। और यशराज जैसे बड़े बैनर इस मूवी के प्रोडक्शन में शामिल है। 2 अक्टूबर 2019 को यह मूवी सिनेमा घरों पर रिलीज कराई जाएगी और तहलका मचा देगी। और यह भी कहा जा रहा है कि 50 करोड़ प्लस के ओपनिंग इस मूवी के लिए दाएं हाथ का खेल रहेगा। तो दोस्तों वार मूवी के लिए और कितना इंतजार कर रहे हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और आप बात करते हैं सलमान खान की मूवी दबंग 3 की। जी हाँ दोस्तों, मसाला एक्शन कॉमेडी से भरपूर मूवी दबंग 3, जिसका एक्शन सीक्वेंस काफी मसालेदार होने वाला है। और 20 दिसंबर 2019 को क्रिसमस के मौका पर आएंगे भाईजान बड़े पर्दे पर अपने सबसे फेमस रोल चुलबुल पांडे के साथ। ये एक मल्टी स्टार मूवी है जिसमें सुदीप सर भी शामिल होंगे, जो के कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार हैं। यहाँ पर सलमान खान की बात है, साथ ही साथ शाहरुख खान की बात करते चले, जो के धूम 4 लेकर आजकल बहुत चर्चे में हैं। और रिपोर्ट्स यही आ रही है कि अली अब्बास जफर इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और इस मूवी की स्टोरी दे रही है जिसका टाइटल है धूम 4। और इसमें हमें इस बार एक्शन करते हुए नजर आएंगे डॉन। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के डॉन धूम 4 में नजर आएंगे और किंग खान की इस मूवी की बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो 2020 को रिलीज की जाएगी। और कहा जा रहा है यशराज फिल्म 27 सितंबर को अनाउंसमेंट कर सकता है ऑफिशियली तौर पर धूम 4 की। और उसके बाद बात की जाए टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी 3 की, तो 6 मार्च 2020 को श्रद्धा कपूर के साथ आ रही है बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ। जबकि श्रद्धा कपूर को हम शाहू में भी देख चुके हैं, जिसमें बढ़िया एक्शन की है श्रद्धा कपूर ने। और अब बागी 3 एक बड़ी हाई लेवल की एक्शन मूवी होने वाला है जिसे बिलाल खन्ना डायरेक्शन दे रहे हैं, और इसका प्री प्रोडक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका शूटिंग भी शुरू हो जाएगी, जबकि इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया था।
था और ये टाइगर श्रॉफ की अब तक के सबसे बड़े सीरीज है बाघी, जिसका थर्ड सीक्वल का बेहुती बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि बाघी 2 ने जो रिकॉर्ड बनाया था वो टाइगर की करियर को 4 चांद लगा गए। बाघी 3 के बाद नाम आता है दोस्तों KGF चैप्टर 2 मूवी का। जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म जिसे हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। और रॉकी स्टार यश अब केवल कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि वो अब बॉलीवुड की भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। उनका स्टारडम इतना बढ़ चुका है क्योंकि KGF चैप्टर 1 मूवी का एक्शन सीक्वेंस और मूवी की स्टोरी सभी को भा गई और सभी ने पसंद की। इस मूवी ने तहलका मचाया था बॉक्स ऑफिस पर। और KGF चैप्टर 2 जिसमें कास्ट की गई है बॉलीवुड की बड़े सुपरस्टार संजय दत्त यानी संजू बाबा को। तो दोस्तों रॉकिंग स्टार यश की मुकाबला होने जा रही है संजू बाबा के साथ। इस मूवी की भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑडियंस। और अब इंतजार है KGF चैप्टर 2 का और 2 बड़े स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे बड़े अपडेट्स में। तब तक के लिए आप रखिए अपना और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों, अलविदा।